see. ठीक है, चलिए, सब ठीक हो ना? थोड़ा सा अलर्ट रहना, ऑस्ट्रेलिया और उसी ने दोनों निपटाएंगे फटाफट, फिर मामला आगे बढ़ेंगे, क्लियर? और आप लोग थोड़ा सा चिंता मत करना, जैसे इनकी टाइम को लेके या फिर जब मैं गैप को लेके, मैंने बोला कि मेरे को लगता है कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, जब तक मैं ब्रेक नहीं लूं, मैं बोला कि हर दिन बोलूंगा कि कल है ऑफ है या परसों ऑफ है, बट जब तक चलता रहेगा चलते रहिएगा, समझ में आ रहा है? ये बुरा नहीं आनेगा सर, पहले बोल दिए थे ऑफ है फिर बुला लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना, क्योंकि मूड थोड़ा सा उस तरीके का होता है कि जब बॉडी एकदम थका हुआ लगता है, जैसे कल परसों लगभग 2-3 दिन से पूरा बुखार और ये भयानक था, एकदम पूरा बॉडी फट रहा था, तो लग रहा था आज ब्रेक ले लेता हूँ, एक दिन रेस्ट कर लूंगा ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद जब मन के नहीं आ रहा ठीक लग रहा है तो क्लास ले लेते हैं, तो जब इस तरीके का हो तो आप प्लीज बुरा मत मान कि जब मन बुला लेते हैं जब मन ये कर लेते हैं, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा इतना सह लेना, और टीचर का थोड़ा सा इतना गलती सहा जा सकता है, ठीक है ना? बाकी पढ़ाने के लिए मैं बहुत पढ़ाने में भूत हूँ, मैं 8 घंटा 10 घंटा पढ़ा दूंगा, उसके लिए लोड नहीं लेना। चलिए, तो हम लोग अगर एक बार इसका थोड़ा सा विवरण देखें तो फटाफट काम करके आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला कि अगर इन सब की चीजों में देखें तो यहां से शुरुआत किए थे अपन, तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका डन था, ठीक है? उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो फिर हमारा कौन सा हो गया, यूरोप, यूरोप के बाद कौन सा, एशिया, ठीक है? उस चमक रहा है वो रोहित सैलेंसर, उसका क्या, किसका गाड़ी है वो? अच्छा, हल्का सा सर पूरा मार रहा है, उससे आंख पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा ना। कोई कपड़ा है वहीं पे तो डाल दीजिए, ठीक है? चलिए सॉरी, तो हम लोग कर लिए थे साउथ अमेरिका, देन नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, डन। अब हमारा बच्चा है एक, तो नीचे जो इसमें दिख नहीं रहा है अंटार्कटिका, और दूसरा आपका बच्चा है कौन, ये। मैं अभी थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, अभी मैं अंटार्कटिका का फैक्ट पहले लिखवा दूंगा इसमें, अंटार्कटिका में हमें बहुत ज्यादा जानना नहीं है, बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट लिखवाऊंगा वो फैक्ट आपके काम का होगा, और फिर इसी में हम लोग वापस से एक काम कर लेंगे, कौन सा काम, ऑस्ट्रेलिया को वापस से शुरुआत यहीं से कर लेंगे, क्लियर है? तो थोड़ा आपसे निवेदन है उस हिसाब से काम कर लेंगे, तो सबसे पहला आते हैं और दिमाग में लगाते हैं, एक काम करते हैं, देखिए अंटार्कटिका की जो बात कर रहे हैं उसमें हम लोग फैक्चुअल चीज जो भी मैं बताऊंगा उसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो आप उतना फैक्चुअल रख लेना, मेरे पास समझ में आ रही है, उसके अलावा जाने की जरूरत नहीं है, अंटार्कटिका में ऐसे भी बर्फ ही बर्फ है, आप भी जाइएगा वो भी पिघल जाएगा, हम भी जाएंगे वो भी पिघल जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो सर सबसे पहला हेडिंग डालिएगा अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका में हेडिंग डालने के बाद पहला चीज लिखिए, मैंने आपको सदर्न ओशन पढ़ाया था, याद है आपको? तो सदर्न ओशन बोला था सादा, सदर्न ओशन को अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, तो एक पॉइंट पहले ऐड कर लीजिए, सदर्न ओशन इज आल्सो कॉल्ड एज अंटार्कटिक ओशन, सदर्न ओशन इज आल्सो कॉल्ड एज अंटार्कटिक ओशन, ठीक है? ये एक पॉइंट आप दिमाग में एक बार नोट डाउन करके सिर्फ रखेंगे बस। अब मैं एक दो बात आराम से आपको बताता हूं और जीवन का आनंद लेते हैं। इधर देखिएगा, आप अपने एटलस में अगर ओपन करोगे तो एटलस में जो आपको ओपन करेंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया आपको मिल जाएगा, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया जहां पे आपको मिलेगा वहां पे ध्यान से देखिएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया और ओशिएनिया लिखा होगा, दिख रहा है क्या? तो ऑस्ट्रेलिया और ओशिएनिया जो दिख रहा है उसको एग्जैक्टली समझना है कि ये बोल क्या रहा है। इधर देखिएगा मेरी तरफ, मैं इसको सिर्फ अभी हिंट दे रहा हूं, फिर ऑस्ट्रेलिया और ओशिएनिया इसके बाद दिखवा दूंगा, बेसिक्स पहले सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ऑस्ट्रेलिया और ओशिएनिया का। मैंने बोला इधर ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ब्यूटी क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, पहली बात तो ये, तो ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री एज वेल एज ए कॉन्टिनेंट, क्लियर? दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के अलावा इधर प्लीज ध्यान से, अगर उधर नहीं भी खुला हो तो मेरी तरफ ध्यान से देख लेना, आप फोकस थोड़ा सा चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, डन। ऑस्ट्रेलिया के अलावा देखो आपको ये दिखेगा बहुत सारा छोटे छोटे आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनिया, इधर आपको न्यू कैलिडोनिया या न्यूजीलैंड दिखेगा आपको, दिख पा रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया प्लस छोटे छोटे आइलैंड्स इज इक्वल टू ओशिएनिया, क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? जब हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बोले इसका मतलब इसी पे फोकस कर रहे हैं, बट जब हम ओशिएनिया टर्म स्पेशली बोल रहे हैं इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया प्लस ये सारे आइलैंड्स, न्यूजीलैंड, ये सब छोटा छोटा मिला के ए टू जेड, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात थोड़ा सा बोलने से बचिएगा, इसलिए क्योंकि मेंस में जब आप लिखेंगे
तो ओशिएनिया का मतलब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग ऑस्ट्रेलिया लिखकर काम चला लेते हैं, जो कि ठीक बात नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, क्लियर है यहाँ तक? तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं इस वाले जो क्लास में, इसमें क्या कर रहे हैं, एक तो अंटार्कटिका खत्म करेंगे और ऑस्ट्रेलिया का जो है हमारा पॉलिटिकल और जहां तक होता है फिजिकल कोशिश करेंगे खत्म करने का, क्लियर है? तो सबसे पहला यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को यहाँ रखूं सामने और इसको मैं वैसे ही काट रहा हूं चार पार्ट में, तो बहुत आसान तरीका है आपको बताने का, एकदम इजीली समझ में आ भी जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा रहा ऑस्ट्रेलिया को, मैं इधर काट दिया, ध्यान से समझना, तो इधर का हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऐसे भी साइड क्या होगा वेस्ट, आया ना, ऊपर का हो जाएगा नॉर्दर्न टेरिटोरी, इधर का हो जाएगा साउथ ऑस्ट्रेलिया, समझ में आ रहा है? और बाकी इधर से हम एक दो पार्ट देख लेंगे, काम हमारा आसान हो जाएगा। तो लॉजिक है, पहले दिमाग में चिपकाने के लिए बहुत आसान चीज है ये, तो सिंपल देखो, इधर अपने आप देखना, मैंने काटा पहले, देखते इधर देखो क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऊपर को बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी या फिर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया ही बोलते हैं, नीचे बोलेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है? जो भाषा वैसे बांट दिया गया है। अब इधर आइए, तो जो इस वाले खंड की बात करते हैं, तो एक हो गया क्वींसलैंड, वहां ध्यान से देखिए क्वींसलैंड मिल रहा है, क्वींसलैंड के जस्ट नीचे एक मिलेगा न्यू साउथ वेल्स, तो सेकंड वाला क्वींसलैंड के बाद मान लीजिए न्यू साउथ वेल्स मान लिया, ठीक है, ये क्वींसलैंड ये न्यू साउथ वेल्स NSW। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा विक्टोरिया, दिख रहा है आपको, तो एक आपका हो गया विक्टोरिया, और विक्टोरिया के नीचे आइए एक मिलेगा आपको तस्मानिया, मिल रहा है, उसके बीच में एक स्ट्रेट है बास स्ट्रेट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, और स्ट्रेट आपको समझा चुका हूं क्या होता है, जल संधि, जल का मिलना जमीन का अलग होना, तो यहाँ पे सर कौन कौन अलग हो रहा है, तस्मानिया अलग हो रहा है किससे, विक्टोरिया से, लेकिन अभी तो कह सकते हैं कि तस्मानिया पूरे ऑस्ट्रेलिया से भी अलग हो जा रहा है, तो सर ये जो है दिमाग में आपको रखना है, क्लियर है? तो सर ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया बात खत्म, तो ओशिनिया में अभी मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करी है, अब इधर छोटे छोटे आइडिया देखिए बहुत सारा मिलेगा, यहाँ इस वाले पे ध्यान देना प्लीज, ये ब्रैकेट पे आपको इसमें देखो बहुत सारा मिलेगा, नॉर्दर्न मॉरिशियस, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, दिख पा रहा है? उसी तरीके से इधर आइए, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया यहाँ मिलेगा आपको, पोर्ट मॉर्सबे मिलेगा, फिर यहाँ से आप न्यू ब्रिटेन, इधर से आते जाएंगे सोलोमन आइलैंड, ये सारा आइलैंड होते हुए न्यूजीलैंड, तो हम ये पूरा पढ़ेंगे, इसका पूरा न्यूजीलैंड का जिक्र जानेंगे और फिर फर्दर छोटे छोटे आइलैंड पढ़ लेंगे, काम हमारा हो जाएगा, क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंटार्कटिका प्लस ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया, दो कॉन्टिनेंट इसी में निपटेगा, तो पहला हेडिंग डालिए अंटार्कटिका, कुछ फैक्ट है, फैक्ट्स यहाँ लिख लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे। तो पहला अंटार्कटिका हेडिंग डाल चुके हैं, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, तो वो अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि बर्फ ही बर्फ से बिछा हुआ है, तो लिखिए अंटार्कटिका इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट कॉन्टिनेंट, थोड़ा हाथ तेजी में बढ़े, तेजी में कभी कभी बढ़ता है तो बैलेंस रहता है, इज कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स, बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स के कारण जो है ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट कॉन्टिनेंट, क्लियर? ये पूछता है प्रभु, बहुत छोटा चीज है पूछता है। दूसरा, अब देखो ग्लेशियर्स क्या होता है, ग्लेशियर्स बड़े बड़े चट्टान हो गए जो पिघलना है, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वो पिघलेगा, बाकी इन सारी चीजों में एक चीज और समझ में आपको आना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब ग्लेशियर्स में भी अलग अलग ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे कहीं कहीं कोई चट्टान बहुत बड़ा है, कोई चट्टान छोटा है, वो भी बहुत बड़ा है, तो वैसा ही जो सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है उसका नाम दिया गया हुआ है, तो पहला लिखे, दूसरा पॉइंट उसमें लिखेगा लार्जेस्ट ग्लेशियर, लिख कर डैश दीजिएगा, मतलब अंटार्कटिका के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर आपको मिलेगा डैश देकर, उसमें लिखिएगा लैम्बर्ट ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम दिया गया है लैम्बर्ट ग्लेशियर, और इसमें अधिकतर जो भी नाम है वो साइंटिस्ट के नाम पे हैं, जिन्होंने कुछ उसको फाइंड आउट करा, वहां पे कुछ रिसर्च करा, तो उस बेसिस जैसे एसआई यूनिट होता है जो आप पढ़ेंगे, तो हर एसआई यूनिट आप देखेंगे सब साइंटिस्ट के नाम पे, मतलब 100 में 99.9% एसआई यूनिट उसी है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी है एम्पियर बोल रहे हैं तो उन्हीं के नाम पे है, चार्ज का कूलम्ब तो उन्हीं के नाम पे है, तो ऐसा यूनिट जो होता है ऐसा ही मात्रक वो अधिकतर साइंटिस्ट के नाम पर होता है, समझ में आ रहा है? तो कुछ वैसा ही जो भाई जो खोज किया है जिसने अपने लाइफ का 20-25 साल रिसर्च में दिया है उतना तो उसका बनता है यार, हर कि उसके नाम पे हो थ्योरी, समझ में आ रहा है? तो ऐसा थोड़ी ना है कि अपने लाइफ का जो इतना हिस्सा दे दिया उसको कुछ मिले भी ना। तो सर न्यूटन स्लॉ बोलते हैं क्योंकि न्यूटन ने भाई इतना मेहनत करे, तो सर नेक्स्ट पॉइंट लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर हो गया, लैम्बर्ट। अब दूसरा लिखिए नेक्स्ट पॉइंट उसी के अंदर और अच्छे से लिखिएगा थोड़ा, उसमें लिखिए लार्जेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका,
लार्जेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका, उसमें नाम लिख लीजिएगा ओइनेक्स, ओ वाई एन एक्स रिवर। ये रिवर का नाम आपको जीवन में सुना ही नहीं होंगे, तो सर ये पूछता है उसके बाद दिमाग में आता है, क्योंकि कौन सोचेगा कि ग्लेशियर में भी रिवर होता होगा, लेकिन नाम दिया सर। आप मुझे बताओ, एक शब्द होता है फ्लूड, एफ एल यू आई डी फ्लूड, तो फ्लूडिटी क्या होता है, जो ऑलरेडी थोड़ा सा, भाई ऐसा नहीं को मूव नहीं करता, मूव करेगा बट पानी की तुलना में कम मूव करेगा, इसलिए एक टर्म होता है विस्कोसिटी। ये सब आप थोड़ा बहुत पहले जानते हो, लेकिन साइंस में बताएं तो विस्कोसिटी क्या होता है कि कोई चीज मूव कर रहा है उसको रोकने में क्या मदद कर रहा है, रेसिस्टेंस टू फ्लो। आप जा रहे हो, आपको कितने लोग ताना दे रहे हैं, आप आईएएस बनना चाहते हो, आपको कितने लोग ताना दे रहे हैं, नहीं होगा ये होगा फला डिगाना तुम हो सर फल, तो ये जो है वो विस्कोसिटी है, ये रेसिस्ट कर रहा है रोकने के लिए। तो सर फैलेगा, ओइनेक्स रिवर भी चलेगा लेकिन वो स्लोली चलेगा, ग्लेशियर्स भी मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर ज्यादा है तो फ्लो करेगा। तो लार्जेस्ट रिवर कौन सा हो गया, ओइनेक्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट, एक और, ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना है, छोटे छोटे पॉइंट से रटना है इसको। उसके बाद लिखिए लार्जेस्ट लेक ऑफ अंटार्कटिका, लार्जेस्ट लेक ऑफ अंटार्कटिका, उसमें लिखिएगा लेक वोस्टोक, VOSTOK, मैं लिख देता हूं A to Z, लेक वोस्टोक। इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये सब फैक्ट आपको जनरली गूगल पे या उस पे, गूगल पे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन बहुत रेयरेस्ट कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलेंगे जो हमारे लिए काम का होते हैं। तो लेक वोस्टोक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या लिख रहा हूं, मेरे साथ रिपीट कर लेना जरा, दिमाग में चला जाए। पहला बोला व्हाइट कॉन्टिनेंट, डन, किसके कारण, ग्लेशियर के कारण, कि मधुमक्खी के कारण, ग्लेशियर के कारण। दूसरा पॉइंट कौन सा है, लार्जेस्ट आपका ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर, लैम्बर्ट ग्लेशियर, डन। एंड द थर्ड वन इज लॉन्गेस्ट रिवर, ओइनेक्स रिवर, लॉन्गेस्ट लेक या लार्जेस्ट लेक, कौन सा लेक, वोस्टोक। क्लियर है। अब नेक्स्ट उसके बाद लिखेगा हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो, हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका, हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका, हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका, हो गया, हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका, मिल गया। नाम लिखिएगा माउंट एरिबस, माउंट एरिबस, ERIBUS, माउंट एरिबस, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट एरिबस, हो गया, डन डन। अब नेक्स्ट उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक, और इसका नाम है विंसन मैसिप, हाईएस्ट माउंटेन पीक में है विंसन मैसिप, हाईएस्ट माउंटेन पीक विंसन मैसिप, हो गया, डन। नेक्स्ट, अब ये जो डेटा आपके पास है इसके अलावा अब एक नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा उसमें, नेक्स्ट टॉपिक में लिखिएगा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज, प्रयोगशाला, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज, स्पेलिंग सही लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिएगा ये ऑब्जर्वेटरीज, प्रयोगशाला। तो पहला पहला लिखिएगा उसमें इंडिया ऑब्जर्वेटरीज, इंडियाज ऑब्जर्वेटरीज, इंडियाज ऑब्जर्वेटरीज, पहला नाम दक्षिण गंगोत्री। ये जो प्रयोगशाला होता है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, जैसे अलग अलग नाम होता है ना अलग अलग पॉलिसीज के नाम, तो यहां लिखिएगा दक्षिण गंगोत्री, ऐसे हिंदी में लिख लीजिए क्योंकि उसमें भी वही लिखा हुआ है दक्षिण, DAKSHIN, उससे बढ़िया जल्दी से आपको दिमाग में आ जाएगा दक्षिण, दक्षिण तो लिख लोगे ना, हिंदी में लिखो तो सब दक्षिण ना, कभी कोई ना अलग अलग लिखता है ना, कुछ कुछ शब्द लिखवाते हैं, लिखो तो उज्ज्वल लिखो तो जल्दी से फटाफट हिंदी में, वहीं पे लिखो तो उज्ज्वल, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी आके देखूंगा अभी उज्ज्वल, देख लिए बोलो ना,
क्योंकि सब तो बोलते हो कि हिंदी माध्यम से आप मैंने पढ़े हैं, आप लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं बस ऐसा ही, क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए। दूसरा श्रृंगार, श्रृंगार जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी आज आज हो जाएगा आज। हाँ साइड में कहीं पे भी लिख लो ना, श्रुति लेख इसी बीच में चलने जाएगा। क्या सर मैं आपके बीच में श्रुति लेख चलना शुरू हो गया, याद नहीं आपको जब टीचर को टाइम पास करना होता था सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में तो श्रुति लेख लिखवाते थे और बच्चे भी मस्त हो रहे होते थे। लेकिन वो ठीक था, भले ही टाइम पास के लिए था लेकिन ठीक भी था, क्योंकि उसमें बहुत सारा श्रुति लेख ठीक हो जाता था। मैं तो बहुत श्रुति लेख लिखा हूँ, मेरे से बहुत मेरी मास्टर ने बहुत लिखवाई थी बहुत ज्यादा, और अवार्ड मिलता था 50-50 होता था उसमें 49-50 जिसको आया 1-1 kg रसगुल्ला ऐसा ऐसा मिलता था तो खूब जीता हूँ मैं। इसलिए मैं हर दिन बोलता था मैम श्रुति लेख लिखवाइए। चलो उज्ज्वल लिख लिया होगी, श्रृंगार लिख लिया हो गया डन, अब लिखो उसके बाद एक और लिख लेना जो बहुत आसान है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति लिख लो लिख लो लिख लो, और क्या लिख लिए, अतिशयोक्ति हो गया। विद्यालय, लिख लिया अभी, चलो चेक कर लेते हैं अभी आगे फटाफट ढाए, ठीक है देख लेते हैं, नहीं तो काट के करेगा, नहीं सर हम तो ऐसा ही सोचे थे। दिखाइए बहुत बढ़िया, वाह चलो किसी का सही नहीं कोई बात नहीं, एक दो वर्ड सही हैं बाकी इसका मैं आपको भेजूंगा ठीक है। इतना एटलीस्ट देखो गिनती के ना ऐसे जो शब्द मैं लिखवाया हूँ हिंदी में ऐसे 5-10-15 ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन इसी 5-10 में ना लपेटे में आ जाते हैं लोग, समझ में आ रहा है, बस यही 5-10 है बाकी उसके अलावा नहीं। तो हिंदी ऑप्शनल जो है, हिंदी में चूंकि क्वालिफाई आपको करना होता है, आपको हिंदी में भी क्वालिफाई करना है और इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना है, ये नहीं कि मुंह के चलेगा हाँ हिंदी माध्यम से आए उधर क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए। तो देखो पहला उज्ज्वल में जब आप लिखते हैं ये, हालांकि मैं बाद में बताऊंगा, बस थोड़ा सा दोनों में आधा ज होता है, पूरा ज किसी में नहीं होता है, पहली बात तो ये ठीक है, तो कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है इसलिए। दूसरा जैसे श्रृंगार बोला हूं तो ये जो शब्द है ना ये ऑटोमेटिक स है, स ये जो स है इसमें हम ये वाला जोड़ते हैं, जैसे स है श्री बोलेंगे तो श्री और यह श्रृंगार, समझ में आ रहा है। और आप लोग क्या क्या लिखे हैं सब भगवान जाने आप देख लिए अपना। तीसरा विद्यालय, तो बहुत तो क्या है ना जैसे गद्य नहीं लिखते हैं गद्य लिखते हैं गद, विद्यालय विद्यालय उसमें द और भ में डिफरेंस है, मेरे पास समझ में आ रही है। तो उसमें जब लिखते हैं तो ये जो है ना एक शब्द लिख रहा हूं ऐसे विद्यालय, एक ये हो रहा है, समझ में आ रहा है, दिया दिया। तो इसको लिखते कैसे हिंदी में, ऐसे लिखते हैं ऐसे, ये वाला ये जो है सब, अगर हम इसको मिटा के कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं तो हो गया विद्यालय, समझ में आ रहा है ये विद्यालय है, इसीलिए जब भी इसको लिखना होता है दिया को तो ऐसे नंबर खींच के तब लिखते हैं ऐसे, ताकि वो काम आसान हो, समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा विद्यालय आपका बहुत बार। और उसके बाद अतिशयोक्ति, इसका तो कुछ अलग ही कांड किया आप लोगों ने, है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अति सयोक्ति ऐसे करना है बस आधा कर, ठीक है तलाबे सौ होता है। तो सर और बता देंगे इसको, जो हिंदी में मुझे भाई क्वालिफाई करवाना है तो मैं पढ़ाता ही हूँ, तो मुझे पढ़वाना पड़ेगा ही और मैं पढ़ाऊंगा ही, समझ में आ गया। तो जब कोई हिंदी में बोले कि सर हम हिंदी माध्यम के हैं तो पूछ के देख लेना उनसे सारा आप नहीं हेजरे, इसलिए सच बात है कि कोई आदमी प्रॉपर ना हिंदी माध्यम का आज के समय में है ना प्रॉपर इंग्लिश माध्यम का है, आप समझ में आ रहे हैं। आजकल जो है अलग ही लेवल पे चल रहा है, ना नाश्ता ना खाना, ना ब्रेकफास्ट ना लंच, ब्रंच आजकल ब्रंच चल रहा है, आप समझ में आ रहे हैं। चलिए तो वापस आते हैं और काम करते हैं। तो मैंने बोला है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज में इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरीज दक्षिण गंगोत्री, ये अप्रोक्स 1983 में शुरुआत हुआ था इसका प्रयोगशाला, जहां पे हम अंटार्कटिका में प्रयोग कर रहे थे, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्टार्टेड अप्रोक्स 1983, लेकिन इसको बंद कर दिया गया क्योंकि वो अमेरिका भी रिसर्च कर रहा था, रशिया भी रिसर्च कर रहा था, उसका भी प्रयोगशाला बनाया हुआ था, इतना ना तेज हवा आया वहां पे उड़ा के छतरी लेके चला गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग उस हिसाब से रखते हैं कि अपने आप को सेफ करें, अरे भाई अंटार्कटिका जहां का टेम्परेचर
आप समझ पा रहे हो, जहां आदमी जम जाता है वहां पे उस तरीके का बना के रखना और वहां पे रिसर्च करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहुत ज्यादा दिन तक प्रयोगशाला रहता नहीं है, ये घर थोड़ी है कि आप बिरयानी एक बार, प्रयोगशाला बहुत सालों साल चल रहा है। अमेरिका ने बनाया खूब खर्चा करके, इतना तेज विंड आया कि उसके बाद सारा का सारा जो छतरी मतरी है गायब हो गया। तो सर लॉजिक क्या है, इंडिया का दक्षिण गंगोत्री शुरुआत हुआ और बगल में लिख लीजिएगा दूसरा एक और, उसके बाद तब कैंसिल करेंगे क्योंकि उसके बाद बंद हो गया था। दक्षिण गंगोत्री के बाद दूसरा नंबर पे लिखिएगा एक और है मैत्री। ये सब नाम थोड़ा बहुत सुना हुआ है, आपको पता नहीं हो लेकिन सुना हुआ है ये सब। मैत्री, मैत्री कैसे लिखा हूं, ये वाला लिखा हूं, ये तो दूसरा मैत्री हो गया। और मैत्री लगभग शुरुआत हुआ 1988, इसके खत्म होने के बाद से 90 तक लगभग ये चला, ठीक है। और अब बगल में क्या करना, दोनों ऐसे कर लेना दोनों पे और लिख देना बंद हो गया है, क्लोज्ड। मेरे पास समझ में आ रही है, दोनों ऑपरेशन। तो सर आप लिखवाए क्यों, इसलिए लिखवाए हैं सर क्योंकि मैच द कॉलम में, मतलब ऐसा नहीं हो गया सर जब आएगा नहीं तो पढ़ाई क्यों रहा है। तो लॉजिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैच द कॉलम में पूछता है कि दक्षिण गंगोत्री कौन से थ्योरी से रिलेटेड है, कौन से पॉलिसी से रिलेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री रिलेटेड टू अंटार्कटिका और वहां पे ऑब्जर्वेटरी चल रहा था, तीसरा पॉइंट। उसके बाद आया एक और प्रयोगशाला और वो था भारती, BHRTI भारती। तो थर्ड आया भारती और ये 2015 के बाद, ब्रैकेट में लिख लेना आफ्टर 2015, 2015 के बाद भारती। क्लियर यहां तक। अब भारती के बाद नेक्स्ट, ये जो मैंने लिखवा दिया है ये उसमें से अभी चल कौन रहा है, भारतीय अभी कंटिन्यू चल रहा है। एक और नया अभी आने वाला है, उसका नाम रिवील होगा जून के बाद, जो नया बजट आएगा उसके बाद उस ऑपरेशन को डिक्लेयर किया जाएगा क्योंकि उसको फंडिंग दिया गया है। तो नाम जब आएगा हम अपडेट कर देंगे या फिर आप सुनोगे तो अपडेट कर लेना, बात खत्म। समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब आर्कटिक वाले क्षेत्र में, अंटार्कटिका के बाद एक नेक्स्ट हेडिंग वहीं नीचे दीजिएगा, नीचे आर्कटिक के क्षेत्र में भी एक दो प्रयोगशाला चलता है तो वहां लिख लीजिएगा, लिखिएगा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज इन आर्कटिक रीजन। आर्कटिक तो अंटार्कटिका सबसे साउथ में हो गया, आर्कटिक सबसे नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज इन आर्कटिक रीजन हो गया डन। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज इन आर्कटिक रीजन, फर्स्ट द फर्स्ट इज हिमाद्री, हिमाद्री 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाद्री ऐसे लिख लेना अपना और इसको इंग्लिश में लिख लोगे तो ये चलेगा हिमाद्री। और ये लगभग 2012 से शुरुआत हुआ इसका बनना, 2015 तक बनकर तैयारी भी हो गया, उसके बाद एक काम चल रहा था अप्रोक्स 2012 से 15 तक इसका काम चला, 2012-2015 हो गया। और उसके बाद फिर दूसरा एक आया, ये सब किसके क्षेत्र में पढ़ा रहा हूं, आर्कटिक या अंटार्कटिका, आर्कटिक रीजन, मेरे पास समझ में आ रही है। सो बेसिकली आर्कटिक रीजन के अंदर एक हमारा प्रयोगशाला ऑब्जर्वेटरी चलता है हिमाद्री, एंड द सेकेंड वन इज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेकेंड वन आप उसका नाम लिख के रख लेना क्योंकि ये काम का है, और वो है आपका इंड आर्क, ऐसे लिख लेना, देखो इंडिया इंड आर्क ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है INDARC, इसका मतलब समझ में आ जाएगा इंडिया और आर्कटिक रीजन में, तो नाम ही रख दिया इंड आर्क, इंडिया का आर्कटिक रीजन में, बात खत्म। क्लियर है, इंड आर्क हो गया, हो गया। चलिए तो सर हो गया, तो हमारा अंटार्कटिका और हमारा आर्कटिक के कुछ जो मेन छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमारे काम के हैं वो आपके पास डेटा एंड फैक्ट्स हो गए हैं। इसमें एक पेज आप छोड़ के तब उसके बाद से उस CNA स्टार्ट करिएगा क्योंकि कुछ अपडेट करना पड़ेगा, तो एक पेज या आधा पेज आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कॉपी का ये पन्ना, मान लीजिए दो होता है ना, जैसे कि ये एक हो गया और ये हो गया एक, है ना, तो यहाँ पे खत्म हो गया है तो आधा छोड़ दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक। और अगर इस वाले में आधा खत्म हुआ है तो आधा छोड़ के नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर लीजिएगा। क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि सर कुछ चीजें इसमें अपडेट होंगी जून जुलाई के बाद, तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो हम अंटार्कटिका रिपीट कर देते हैं, क्या क्या बोले हैं, एक वाइट कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं ग्लेशियर के कारण, दूसरा हमने पहला पॉइंट बोला था लार्जेस्ट जो आपका ग्लेशियर हो एम्बर्ट है, है ना, लैम्बर्ट के बाद। दूसरा मैंने क्या बोला आपको, लार्जेस्ट रिवर में कौन सा रिवर बोला, ओइनेक्स,
उसके बाद लार्जेस्ट लेक में क्या बोला था, लेक वोस्टोक। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो में क्या बोला था, माउंट एरिबस। भैया बोल लो याद हो जाएगा, माउंट एरिबस। दूसरा उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक में क्या बोला था, विल्सन मैसिफ। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए हाई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज में, मैंने बोला दक्षिण गंगोत्री अप्रोक्स 1983। दक्षिण गंगोत्री के बाद मैत्री शुरू हुआ, वो भी दोनों क्लोज हो गया, क्लियर। उसके बाद भारती जो कंटिन्यू चल रहा है, आर्कटिक के क्षेत्र में आएंगे तो हिमाद्री और इंडार्क जो है अभी प्रोसेस में है जो चल रहा है, क्लियर यहां तक डन। नेक्स्ट हेडिंग डाला जाए अब ओशिएनिया, नेक्स्ट हेडिंग ओशिएनिया, पानी चाहिए ओशिएनिया, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है ओशिएनिया और जीवन का आनंद जो है लेना है भरपूर, ठीक है ओशिएनिया। तो पहले तो ओशिएनिया को समझ लेंगे तब उसके बाद काम करेंगे। तो पहले एक तरफ लिख लेना ऐसे इधर साइड में नीचे में, मतलब हेडिंग डाल के ओशिएनिया इज इक्वल टू डाल लेना और उसमें लिखना ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस स्मॉल आइलैंड्स, और ये लिख कर ऐसे ब्रैकेट में आप कर लेना, इसलिए क्योंकि ये दिमाग में रहे, नहीं तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया और ओशिएनिया एक ही में घुसेड़ के चलते हैं। जैसे ब्रिटेन बोले तब भी इंग्लैंड, यूके बोले तब भी क्या इंग्लैंड, जबकि पढ़ने के बाद पता चला कि मामला ही उलट है। तो लॉजिक ये है कि थोड़ा सा समझ लेना है, नहीं तो सर कुछ भी समझ लेते हैं लोग, लोगों का काम है कि समझना। रेडी थोड़ा रहना ठीक है, नहीं तो बस कुछ भी बोल देते कुछ भी। चलो तो पहला लिखना सबसे फर्स्ट, अब ये क्लियर हो गया है तो हम पहले अब हेडिंग डालेंगे और तब हम पहले अब करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया के बाद आगे हमारा गाड़ी बढ़ेगा न्यूजीलैंड पे, क्लियर है। तो सर आज कम से कम जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं निपटाने का, बाकी जो बचेगा कोई ऐसा हड़बड़ाहट अपने को है नहीं, मस्ती में पढ़ना है बस। बस ये ध्यान रहे कि मस्ती में पढ़ने का मतलब ये भी नहीं होता है कि एक साल का काम दो साल में करना, ये बस थोड़ा सा ध्यान रहे। तो इसलिए जितना टाइम और जितना आराम से अभी आप चल रहे हैं, ज्यादा नहीं, मैंने बोला भी था आपको हफ्ता 10 दिन के बाद आपको लोड एक ही बार पढ़ने वाला है धाम से, इसलिए अभी थोड़ा सा खींचते रहिएगा, जितना है उसको क्लियर करते रहिएगा, छोड़िएगा मत, क्लियर है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी पार्ट चलेगा। तो सर रेडी रहिए, जीवन का आनंद लीजिए, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहला आप अगर आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आज एक नया चीज ट्राई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से पहले न्यूजीलैंड निपटा देते हैं, ठीक है, तब ऑस्ट्रेलिया करेंगे, थोड़ा सा कुछ नया करते हैं। तो पहले हेडिंग डालिए जाए न्यूजीलैंड, अब कोई मत करिएगा कि सर लिख लिए थे तो आप बेकार कर दिए। तो न्यूजीलैंड जब लिख रहे हैं तो न्यूजीलैंड लिखने के बाद पहले न्यूजीलैंड का मैप जरूर खोल लीजिएगा, मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, नहीं तो काम देखो गड़बड़ा जाएगा। जो न्यूजीलैंड आप देख रहे हो, न्यूजीलैंड जहां पे मैंने बताया नीचे में वहां पे आपको दिखेगा, वहां पे ध्यान से देखना, क्योंकि न्यूजीलैंड इसलिए करा रहा हूँ कि एटलीस्ट न्यूजीलैंड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो न्यूजीलैंड निपटा दिया जाएगा और फिर ऑस्ट्रेलिया आराम से कर लिया जाएगा, क्लियर है। तो कहने के लिए आज हो जाएगा कि सर आज 3 ग्रुप कॉन्टिनेंट खत्म कर दिए, या 3 हो गए, कहने के लिए हो जाएगा और क्या। तो नेक्स्ट हेडिंग डाला जाए न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का राजधानी आप मुझे उसमें से देख के पहले बताओ खुद एटलस में से कि है क्या, क्योंकि जरूरी है। वेलिंगटन दिख रहा है, पक्का दिख रहा है, पक्का। तो सर जो न्यूजीलैंड आपको दिख रहा है ये उसकी राजधानी वेलिंगटन आपको तो दिख ही रहा होगा, यस और नो, यस। पॉइंट इज ध्यान से समझना, रुक जाना, न्यूजीलैंड खुद का एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था जीलैंडिया, ध्यान से समझना जो अभी फिर न्यूज में है। न्यूजीलैंड कभी भी ये नहीं कहता था कि हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पार्ट है, नेवर। न्यूजीलैंड का खुद का कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था जीलैंडिया, और जीलैंडिया क्या हुआ, डूबने लगा, क्योंकि देखो ना ये कहां पे है, ये तो आइलैंड्स ही है, और आइलैंड्स डूबते हैं बनते हैं। मैं पढ़ाऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी में, वोल्केनो निकला, वोल्केनो जैसे लावा लेके बाहर निकला तो सर जो लावा निकला ओशन में वही तो आइलैंड बना देता है, और धीरे धीरे वो लावा ठंडा होगा और वो आइलैंड का निर्माण कर लेगा, और फिर वही लावा जब धीरे धीरे उसके बाद पूरा तरह से बन जाएगा तो फिर क्या है, पानी भी तो अपना काम करेगा, तो पानी मिट्टी का कटाव करेगा, नहीं करेगा, करेगा, और कटाव करते करते धीरे धीरे तो कुछ आइलैंड्स डूबेंगे, कुछ आइलैंड्स अपने आप फॉर्मेशन होंगे, और मैं पढ़ाऊंगा को बहुत मजेदार तरीके से काम होता है। मेरे पास समझ आ रही है कि सर अचानक से सुबह उठे तो आइलैंड कुआ नहीं बन जाता है, टाइम लगता है, बट वोल्केनो का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए ज्वालामुखी हमेशा खराब नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। ज्वालामुखी अगर खराब होता तो समझिए कि ना आप होते, ना हम होते, ना कोई और, सर्वाइव ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके कारण ही मिट्टी का सारा फॉर्मेशन हो रहा है।
खैर तो हम आते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड पे, और न्यूजीलैंड को समझने से पहले मैं आपको एक दिमाग में माइंड मैप क्रिएट कर देता हूं, माइंड मैप क्रिएट कर देता हूं ताकि पहले आसान हो जाए। देखो इधर, अगर मान के चलिए ये वाला हिस्सा ऐसे मैं न्यूजीलैंड समझ लूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक और ये दो। जरा देखना, एक यहां पे स्ट्रेट दिख रहा होगा जिसका नाम है कुक स्ट्रेट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस और नो? यस। और कुक स्ट्रेट के नीचे और एक और मिलेगा फॉबिक्स स्ट्रेट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो जो न्यूजीलैंड है उसको अगर हम बांट लेते हैं तो ऊपर में देखना ये है, इसको बोल रहे नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड का क्रिकेट प्लेयर सब होता है बढ़िया, नॉर्थ आइलैंड दिख रहा है। नॉर्थ आइलैंड के जस्ट और नीचे आइए तो क्या मिलेगा आपको? साउथ आइलैंड, यस और नो? और नॉर्थ साउथ के जस्ट थोड़ा सा डाउन आएंगे तो डाउन में आने पे आपको एक और आइलैंड मिलेगा, और उस आइलैंड का नाम क्या है जरा ध्यान से देखना, क्या मिल रहा है नीचे नीचे? हाँ, जो आपका नॉर्थ साउथ और साउथ के जस्ट एक और नीचे आपको ध्यान से देखो मिलेगा स्टीवर्ट आइलैंड, मिल रहा है? दैट इज वेरी स्मॉल स्टीवर्ट, और इसके बीच में ये इसलिए बताना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछता है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं कि नॉर्थ आइलैंड और देन साउथ आइलैंड के बीच में कौन सा स्टेट हो गया? कुक स्टेट, यस और नो? और उसके बाद दोबारा ये नीचे, तो सर साउथ के बीच में और स्टीवर्ट के बीच में कौन सा स्टेट हो गया? फॉबिक्स स्टेट। बेसिकली ये इसलिए बताया हूं, ये माइंड में बना के रख लो क्योंकि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि न्यूजीलैंड का राजधानी क्या है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा स्टेट कौन से दो आइलैंड के बीच में आता है, इसलिए आपको दिमाग रखना है। तो पहले जल्दी से एक माइंड मैप में इस तरीके से एक बना लीजिए बेसिक से, उसके बाद उसमें ऊपर में नॉर्थ लिख लीजिएगा, साउथ और नीचे स्टीवर्ट आइलैंड, और तीनों में बीच में दो लाइन बनाकर उनका स्ट्रेट लिख दीजिए, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बना लिए? बोलते जाओ, बोलते रहोगे ना तो थोड़ा सा रहेगा जान। अभी अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत मतलब आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नहीं तो 35-40 के बाद ऐसे ही लुढ़क जाओगे, तो उसके बाद वही बोले नाक दाब के लोग खिचड़ी खिला देगा आपको। इसलिए जो है जीवन में मैंने बोला था आपको कि अभी जो वक्त है अभी एकदम पूरा एकदम होना चाहिए पूरा गर्दास्त जबरदस्त। हो गया, ठीक है, जम के पढ़ लो एक दो साल बाद, उसके बाद फिर दो तीन साल बाद आपको मैं बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, दो तीन साल बाद आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा मन नहीं करेगा, इसीलिए पढ़ लेना अभी। जैसे पीजी के बाद, पीजी करने के बाद जब आप आगे जाएंगे तो अगर उस समय तक आप आईएएस का भी नहीं सोचे हैं, जो लोग नहीं सोचा है आईएएस उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आईएएस सोचा है उसके लिए पीजी के बाद बहुत डिफिकल्ट होने लगता है उसको, क्योंकि पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा और समस्या ये भी है कि आईएएस बनने का मन भी है, तो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसी वजह से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप हैं तो एनर्जी पहले ही बहुत ज्यादा दबा दीजिए, और अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आए हैं तो सिंपल एक सोचिएगा कि एक साल पहले रगड़ के पढ़ लेना है, उसके बाद फिर जो मैंने वो करेंगे, इसके बाद आराम से फ्री रहिए, समझ में आ रहा है ना? नहीं तो उसके बाद जीवन जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना, भाई लाइफ भी तो है, लाइफ अपने हिसाब से लेता भी, हर किसी के बस का बात थोड़ी होता है कि, और फेसबुक और सोशल मीडिया में बार बार बोला आईएएस से जब तैयारी करिएगा तो कोनो ईएमआई पर गाड़ी खरीद के फोटो डाल देगा, कोनो कोनो दूसरे के गाड़ी जाकर फोटो डाल देगा, समझ में आ रहा है? इस तरीके का काम कर देता है, और आपको लगेगा कि बताइए हम अभी तैयारी कर रहे हैं गाड़ी ले लिया, वो अलग बात है कि किसका गाड़ी के सामने फोटो खिंचवाया है कुछ पता नहीं। और अधिकतर सच बात यह होता है कि जिसका जो गाड़ी होता है वो फोटो नहीं डालता है, लेकिन जिसका गाड़ी नहीं होता है वो पक्का फोटो डालेगा, आप समझ पा रहे? ज्यादातर वही, क्योंकि जहीं पार्कोर के लगा हुआ जाएगा सामने खड़ा हो जाएगा और फोटो खिंचवा लेगा और उसके बाद स्टेटस डाल देगा, लोग देख के हैरान हो गए, तो इसे थोड़ा समझिएगा। नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड, तीन आइलैंड क्लियर है। अब तीनों आइलैंड के बारे में जानना है तो सर न्यूजीलैंड देखिए तो वहां पर राजधानी वेलिंगटन लिख लीजिए, और उसके बाद पहला हेडिंग डालिए नॉर्थ आइलैंड। अच्छा, वेलिंगटन जो आपको दिख रहा है वो कौन से आइलैंड पे दिख रहा है, नॉर्थ पे कि साउथ पे? नॉर्थ पे। तो जहां वेलिंगटन दिख रहा है, जैसे मैंने आपको जापान पढ़ाया था, याद है कि गया है काम से, याद होगा जापान में राजधानी बोला था टोक्यो, और टोक्यो में बोला था कौन से आइलैंड पे था, होनसू पे। उसी तरीके से ये भी दिमाग में रखना है, इसका राजधानी आपका कौन से पे है, नॉर्थ पे। तो पहला हेडिंग डालिए उसके बाद नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड हो गया। अब उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट जगह है नॉर्थ आइलैंड में, देखो एक जगह मिल रहा है, एक शहर है ऑकलैंड सिटी,
ऑकलैंड, मिल रहा है AUCK। तो नॉर्थ आइलैंड के अंदर एक जगह लिखिए ऑकलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑकलैंड। आज बैंक क्लोज है या ऑन है, कोई देखे हैं उधर से बैंक क्लोज था कि ऑन था, नहीं देखे हैं कोई? अब आप लोग के पास इतना ना पैसा है कि देखेंगे क्यों, चलिए ऐसा ही मजाक आगे बढ़िए। तो सर ऑकलैंड जो है, ऑकलैंड ध्यान में रखिएगा, पहला ऑकलैंड, ऑकलैंड का नाम सुना होगा आपने, मतलब ऐसे चलते फिरते ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है, दुनिया का जो ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है। एक रचिंत रविंद्र करके एक प्लेयर है, जो आप अगर क्रिकेट में चूंकि अपने इंटरेस्ट रखते होंगे, तो जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है वर्ल्ड कप में सबका मार के मतलब हालत खराब कर दिया था, अभी IPL में वो CSK की तरफ से खेलता है, चेन्नई की तरफ से, ठीक है। तो सर वो रचिंत रविंद्र जो है इंडिया का ही हो, नाम में भी आपको इंडियन लग रहा है, रचिंत रविंद्र है वो, वही आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का है, जो वर्ल्ड कप खेल रहा था तो अपनी दादी से मिला भी था, दादी उसकी ही रहती है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है। तो लॉजिक ये है कि ऑकलैंड सिटी बहुत फेमस है न्यूजीलैंड का, तो आपको जानना जरूरी है। तो पहला लिखिए ऑकलैंड सिटी नॉर्थ आइलैंड में, और दूसरा लिखिएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब जैसे कुछ शहर हो जाते हैं जो पॉपुलर हो जाते हैं, है ना, किसी ना किसी तरीके से, और नियत जब गलत होता है तो बर्बादी तो होता है, अलग ही बात है। आपको पता होगा या नहीं होगा, बट एक समय ऐसा था जिस समय एक शहर जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ होता था IAS के लिए, लेकिन अब उसके बाद उसको कोई जानता नहीं है। तो नियत जब खराब होगा ना तो बेकार हो ही जाता है, वो डूब जाएगा, भगवान भी चले जाते हैं वहां से, जहां पे बहुत ज्यादा ये सब जो होने लगता है कट्टरपंथी, समझ में आ रहा है? तो उस तरीके का काम जो है, जैसे ऋषिकेश आप सुना होंगे, आप ऋषिकेश में भी गए नहीं होंगे, लेकिन ऋषिकेश या और कहीं जाएंगे तो वहां पे बहुत बार सुनते होंगे नहीं कि भगवान जी पहले थे और भगवान जी चले गए, कहीं बहुत सारा चीज होता है। तो जहाँ बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, पापी टाइप के लोग जो खाली अपना ही देखना है और सेल्फिश नेचर, तो वहां का वो माहौल बेकार हो जाता है। और मंदिर का एक खासियत ये कि जब आप जानते हैं मंदिर मस्जिद है कहीं पे, तो शांति आपको एटलीस्ट मिलता ही है, अगर वहां का नेचर और वातावरण ठीक हो तो बहुत शांति मिलता है, चाहे 20 मिनट या आधा घंटा ही बहुत शांति मिलता है। तो कहने का बात ये है कि सर ये ऑकलैंड सिटी किस चीज के लिए फेमस है, एजुकेशनल पर्पस के लिए। दूसरा यहाँ लिख लेना उसके नीचे, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी इज वेरी पॉपुलर, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी इज वेरी पॉपुलर। हो गया, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी इज वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट, तो नॉर्थ आइलैंड में है ऑकलैंड की साउथ आइलैंड में है, नॉर्थ आइलैंड में, साउथ आइलैंड हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग, हाँ थोड़ा तेजी में बढ़े, साउथ आइलैंड, और एक जगह का नाम बोल रहा हूं जरा देखना उसमें, क्राइस्ट चर्च, ये भी बड़ा पॉपुलर है क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्राइस्ट चर्च। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, जितने लोग अवेलेबल है हाथ खड़े करना थोड़ा, जो लोग खेलते हैं, हाँ बोला नहीं, हाँ का वो सोता मारने वाला हूँ, नहीं समझा, नीचे से फेंक, नीचे से फेंक, बहुत जन खेलते और सोता मारता है, बोला नहीं मतलब जेनविनली क्रिकेट खेलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत खेल लेते हैं ना, जैसे ऐसा कुछ लोग होता है जैसे बहुत तेज बॉल फेंक रहा है, इतना तेज क्या फेंक रहा है, आप समझ रहे, पर क्रिकेट वाला नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा चाहिए कि हाँ हॉक के देता हूँ उसका, उस तरीके का दम लगाता हूँ। कोई गेम अगर आप लोग नहीं खेलते हैं तो कोई ना कोई गेम जरूर खेलिएगा, वीडियो गेम वगैरह छोड़ के, आप समझ पा रहे हैं, वो नहीं कि सर गेम के नाम पे वीडियो गेम खेलिए, तो अलग का वाला किया है, उससे आपको बहुत फिट रहिएगा। बैडमिंटन सही खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, मैंने बोला भी था कि सुबह में आप उठ के आ जाइए, सुबह में खेल लेंगे, अपना ही नाम अपना ही क्लब है, दारुनीमा फुटबॉल क्लब है, आप वहां पे आएंगे, उसमें बहुत लोग जुड़ गए हैं, काफी लोग, और बहुत डेंजरस क्लब बन गया है वो, काफी डेंजरस, बहुत बड़े बड़े प्लेयर सब हो गया है। अब शुरुआत में तो ऐसे आकल बाकल आए थे ना, समझ में, मारना है पैर से, हाथ से उठा के फुटबॉल फेंक दे रहा, आप समझ में, गजबे चल रहा है वहां पे भाई, समझाने में टाइम लगा कुछ देर। अब जो गोलकीपर है उसको हाथ से पकड़ना है, तू हाथ से पकड़ ही नहीं रहा, कर आप ही तो अभी बताए थे कि हाथ से नहीं पकड़ना होता है भाई, गोलकीपर पकड़ सकता है, हाथ समझ में, बहुत अजीब अजीब आए थे, शुरुआत में बहुत दिमाग खराब होता था मेरा, लेकिन अब जो है अब बहुत अच्छा आ गया, तो इसलिए क्लस्टर्स का मैच भी होता है, और हम लोग जितने बच्चे जो है अंडर 15 18 19 वाले उन लोग का मैच करवा रहे थे, उनका भी कुछ हो जाए, जहां हो जाए, तभी मैच भी हो रहा है उसमें, मोनिलवा के स्टेडियम पटना, तो वहां पे
भेजा जाएगा, टीम हम लोग का टीम जाएगा, हम लोग भी रहेंगे, जो लोग खेलेगा अच्छा उसको भेजा जाएगा। तो सर खेल लीजिएगा गेम, आगे आते हैं नेक्स्ट। साउथ में आपको मिलेगा क्राइस्टचर्च, मिल गया क्राइस्टचर्च, तीसरा साउथ आइलैंड के बाद। गैप देख लीजिएगा, कुक स्ट्रेट लिख लीजिए खुद से, कुक स्ट्रेट। रोहित वो बाइक सब अलग अलग कर रहा है, उसे उठा के बच्चा सब है, सब नया नया अभी लग रहा है, जवान हुआ है सब बच्चा है ना, वो लोग नाइन टेंथ का बच्चा, सबको इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा। कुक स्ट्रेट आराम से बैठ के और हाँ कुक के अपना देखो लिया हो और देख के हो, अब नाइन टेंथ के जो बच्चे होते हैं ना साइकोलॉजिकली बहुत एनर्जी होता है, फोन से पंखा कभी मत लेना, चाकू भी मार देगा जो ना। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए जो आपके भाई बहन नाइन टेंथ में, स्पेशली ब्रदर की बात करूं तो नाइन टेंथ के बच्चों से पंगा मत लीजिएगा, वो आपका खास वही क्यों नहीं हो, क्योंकि उसका जो साइकोलॉजिकली जो अभी ईगो है ना, वो अपने सामने किसी को नहीं लगाएगा, आप समझ पा रहे, उसको लगता है कि दुनिया में मेरे अलावा ये तेरा कोई औकात नहीं, आप समझ पा रहे, क्योंकि अभी नया उसका एनर्जी है। इसीलिए अधिकतर जो मर्डर हुए होते हैं वो नाइन टेंथ के बच्चे जनरली करते हैं, हाई ईगो सेंट्रिक होता है, इसलिए साइकोलॉजिकली आपका भाई अगर नाइन टेंथ में, तो प्लीज इसको ज्यादा समझाना मत, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर वो जिस दिन उबाल आया ना तो बाद में बासी फेंक देगा आपके ऊपर, आप समझ पा रहे, नहीं समझाइएगा, दिल से बोल रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिएगा, और जितना कम आप उसको समझाएंगे उतना ही आपको रिस्पेक्ट करेगा, आप लोग ज्ञान इतना ना उसको ढकेल देते हैं कि वो संभाल नहीं पाएगा, इसलिए नाइन टेंथ के बच्चों को नहीं समझाया जाता है, उसके बाद इलेवन ट्वेल्थ के बाद आप उसको समझाइए, अब वो सुनेगा, कब तक, ग्रेजुएशन तक, अब ग्रेजुएशन के बाद वो आपको समझाएगा, आप समझ पा रहे, इसलिए ये फेज बहुत जल्दी समझना जरूरी है। तो आपके भाई लोग हैं कोई नाइन टेंथ में जो लोग, अगर होंगे तो उसे थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि वो कुछ भी कर देगा, मैं बता देता हूँ, उसमें उसकी गलती नहीं है, वो एज ही खतरनाक है, वो हर किसी के बस का बात होता नहीं ये संभालना हो, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे को भी ऐसे ही कुछ लोग बोल रहा था, तो मैं तो टिका लिया था कि मैं पक्का रात में इनका कांड कर दूंगा, आप समझ में आ रहे, नाइन टेंथ में होता है वो हॉस्टल में होता है कि कुछ आकर ज्ञान दे देते हैं बहुत ज्यादा, तो नाइन्थ में लगता है कि इन लोग चाकू मारे और चुपचाप रात रात निकल लिया, आप समझ में, तो ऐसा करिएगा मत, ये बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ एनर्जी ही वैसा होता है वो, कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसको खुद से मन है करने का। चलिए तो सर अब लिखेगा कुक स्ट्रेट में किसको सेपरेट कर रहे हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को, या फिर साउथ और स्टीवर्ट को, नॉर्थ साउथ को, बस एक लाइन लिख दीजिए, ज्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए थोड़ा सा ज्यादा भाषण हो जा रहे हैं, नॉर्थ और साउथ आइलैंड को सेपरेट कर रहा है कौन सा, कुक स्ट्रेट, डन। दूसरा लिखिए फोबेक्स स्ट्रेट, दूसरा लिखेगा फोबेक्स स्ट्रेट, तेजी में फोबेक्स स्ट्रेट, बोलने की जरूरत नहीं है, किसको सेपरेट करेगा, साउथ और स्टीवर्ट को, इट सेपरेट साउथ एंड स्टीवर्ट आइलैंड, हो गया, हो गया। अब कुछ डेटा इसमें, साउथ और स्टीवर्ट को, क्या समझ पा रहे हैं, बोर हो रहे हैं अभी, समझ पा रहे हैं ना, समझते रहिएगा, मजा आएगा अभी। नेक्स्ट, उसके बाद लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड, लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड, देख लिए लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड, पक्का, पहला जरा देखना, लेक टाउपो मिल रहा है क्या, लेक टाउपो, ऐसे लेक टी ए यू पी ओ, लेक टाउपो, लार्जेस्ट लेक में लेक टाउपो मिला, मिला 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 मिला। नॉर्थ आइलैंड पे देखिए कहीं मिलेगा, अगर पॉलिटिकल में ना मिले तो थोड़ा फिजिकल में भी झांक लीजिएगा, न्यूजीलैंड का फिजिकल भी दिया हुआ है एटलस में, लेक टाउपो नहीं मिला, नहीं मिला, लिख लीजिए लेक टाउपो और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नॉर्थ आइलैंड पे है ये, लेक टाउपो, यहां लिखा हूं टी ए यू पी ओ, लेक टाउपो, लेक टाउपो लिख लिए और ब्रैकेट में लिख लेना है नॉर्थ आइलैंड में, हो गया ठीक। दूसरा हाईएस्ट माउंटेन, हेडिंग डाल लीजिए हाईएस्ट माउंटेन, हो गया, माउंट कुक ये मिलेगा आपको साउथ आइलैंड पे, माउंट कुक नहीं मिला, ये मिल जाएगा साउथ आइलैंड में, इसमें भी मत बोल देना नो, साउथ आइलैंड में माउंट कुक,
और कुक एक बहुत अच्छा बैट्समैन भी है, एलिस्टर कुक बहुत अच्छा बैट्समैन हुआ करता था, गजब का रिकॉर्ड है उसका, आउट नहीं होता था, राहुल द्रविड़ टाइप आदमी, ठुक ठुका के 400 बॉल खेला, 2 रन मारा, नहीं मारा, लेकिन उस दिन गजब, 4 दिन वो, और लक्ष्मण जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो, 600 या कुछ बॉल खेल के ऐसा समथिंग टेस्ट मैच में, और लोग मात्र 34 या 35 रन मारा था दोनों आदमी मिला के, वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो। इसलिए राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता था, दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं, इंडिया का दीवार। आप समझ रहे, जो अभी इंडियन टीम का कोच भी है सौभाग्य से, जो 2 वर्ल्ड कप हरा चुके हैं, तीसरे की तैयारी में, आप समझ पा रहे हैं, तीसरा भी करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं हाईएस्ट माउंटेन माउंट कुक। अब उसके बाद एक और पॉइंट, एक आपको देखना वहां जरा मिलेगा आपको, ये वाला बे ऑफ प्लेंटी, PLENTY, बे ऑफ प्लेंटी, मिला जरूर मिलेगा, लिख लो बे ऑफ प्लेंटी। मिल गया वहां पे, देखो बे ऑफ प्लेंटी में एक पॉइंट लिखो, एक्टिव वोल्केनो लिखिएगा बे ऑफ प्लेंटी में, एक्टिव वोल्केनो फ्रीक्वेंटली कम्स हियर, एक्टिव वोल्केनो फ्रीक्वेंटली कम्स हियर। दिख गया, मिल गया, लिख लिए, लिख लिए, एक्टिव वोल्केनो यहां ज्यादा आता रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, वहां देखो तो एक मिलेगा वहाकारी, वहाकारी, मिला नहीं मिलेगा हमको लगता है, उसमें है नहीं, वहाकारी लिखिए, WHAKARI, वहाकारी। मिला वहाकारी, मिलेगा नहीं, लिख लीजिए वहाकारी, उसमें लिखिएगा व्हाइट आइलैंड वोल्केनो, व्हाइट आइलैंड वोल्केनो। व्हाइट आइलैंड वोल्केनो क्या समझते हो, कि जो ज्वालामुखी आया होगा वो हुआ क्या होगा उसके साथ, वो एक्चुअली वो बर्फ को उड़ा के ले गया पूरा, मेरे पास समझ में आ रही है, और इसलिए उसका नाम दे दिया गया, रिसेंटली आया था ये, तो लिखिएगा व्हाइट आइलैंड वोल्केनो, लिख लिए व्हाइट आइलैंड वोल्केनो कम्स रिसेंटली। नेक्स्ट, बस एक सेकंड लीजिए, दूसरा जो मैंने लिखवाया है वहाकारी उसको मैं लिख देता हूं, तो क्या था WHAKARI, ठीक है, इसको मैंने बोला क्या, बोला व्हाइट आइलैंड वोल्केनो। अब नीचे जरा देखो एक और पॉइंट मिलेगा, एक देखो तो ये वाला नदी मिल रहा है आपको वाइकाटो, WAIKATO, वाइकाटो रिवर, नॉर्थ आइलैंड के पास मिलेगा, मिला नहीं मिला, लिख लो ये वाला वाइकाटो, वाइकाटो रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी वाइकाटो, WAIKATO, वाइकाटो, वाइकाटो रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कहा, न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, दूसरा एक और रिवर का नाम आपको मिलेगा,
वांग नुई, डब्ल्यू ए एन जी एच, वांग नुई, वांग नुई रिवर, वांग नुई रिवर मिला, वांग नुई रिवर। नहीं मिला है ही नहीं तो मिलेगा कैसे, लिख लीजिए वांगनुई, और वांगनुई में लिखिएगा इट इज जस्ट लाइक गंगा एंड नर्मदा, इट इज जस्ट लाइक गंगा एंड नर्मदा। और मैंने क्यों बोला था गंगा नदी क्यों इतना पवित्र है और क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि बहुत लोगों का एग्रीकल्चर और बहुत लोगों का जीवन उस पर निर्भर करता है। तो सर उसी तरीके से वाइकाटो रिवर भी बहुत वहां के न्यूजीलैंड के किसानों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा मेरी बात, तो लिख लीजिए वांगनुई रिवर, और वांगनुई रिवर में लिखिएगा इट इज सेम एज या इट इज जस्ट सेम एज या इट इज लाइक गंगा एंड नर्मदा विच विच सपोर्ट्स द फार्मर लिख लिए विच सपोर्ट्स द फार्मर एज, यहां ध्यान से शब्द देखना, लिविंग एंटिटी विच सपोर्ट्स द फार्मर एज अ लिविंग एंटिटी, इस पे apostrophe दे देना, लिविंग एंटिटी समझ गए, सर्वाइव के लिए जो आवश्यक पानी और जिस तरीके का चीज है वो यहां से इस नदी से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो न्यूजीलैंड में एक और लास्ट लिखिए, उसके बाद न्यूजीलैंड खत्म। लिखिएगा एक जगह, देखिए ये मिलना चाहिए, एक माउंटेन मिलेगा आपको सदर्न अल्प्स, सदर्न अल्प्स ALPS, नहीं है, मिलेगा जरूर सदर्न SOUTHER, जिसको बहुत लोग साउदर्न भी बोलते हैं, सदर्न अल्प्स माउंटेन मिल गया, लिखिए लिखिएगा इन दिस एरिया, मतलब ये जो सदर्न अल्प्स माउंटेन के क्षेत्र में, इन दिस एरिया सम लोकल विंड, जैसे बिहार में या इंडिया में लोकल विंड का नाम क्या है, लू, जैसे गर्मी में बताया ना लू, वैसा ही वहां पे लोकल विंड बहुत चलती है उस एरिया में, तो इन दिस एरिया लिख लिए लोकल विंड ब्लो फ्रीक्वेंटली, लोकल विंड ब्लो फ्रीक्वेंटली, हो गया। आप बताना मुझे पहाड़ी एरिया में एग्रीकल्चर करना तो डिफिकल्ट होता है, इतना आसान तो नहीं होता है, एग्रीकल्चर होता है बट इतना आसान नहीं होता, फिर उसमें आप देखेंगे पहाड़ी एरिया में कैसे खेती होती है, काट के डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट करते हैं ताकि पानी छोड़ दिया, धीरे धीरे सब तक पहुंच जाए, ज्यादा तेज पानी है सब बहा के लेके चल जाएगा मिट्टी को, तो डिफिकल्ट होता है। लेकिन पहाड़ी एरिया में कुछ वैसे भी क्षेत्र तो होते हैं जहां पे प्लेन एरियाज होते हैं, और आप नीचे के समय, मतलब पहाड़ में ऊपर बहुत गए तो वहां और डिफिकल्ट होगा, लेकिन नीचे शुरुआती दौर में तो कुछ क्षेत्र मिलेंगे आपको, तो एग्रीकल्चर के लिए जो क्षेत्र है उसको कैंटरबरी बोलते हैं न्यूजीलैंड में, बहुत पॉपुलर शब्द है ये, तो लिखिएगा एक पॉइंट नोट करके, वहीं पे एक पॉइंट लिख लीजिए, सबसे पहले कैंटरबरी बोलो, कैडबरी नहीं बोल रहा हूं, कैंटरबरी मतलब फॉर एग्जाम्पल CANTERBURY, कैंटरबरी, समझ में आ रहा मेरी बात, तो सबसे पहले कैंटरबरी लिख लीजिएगा और देन उसके बाद फिर फर्दर आगे काम बढ़ाइएगा, बहुत इजीली उसमें आप कन्वर्ट कर पाएंगे। लिखिएगा दिस इज द एरिया कैंटरबरी में, दिस इज द एरिया वेयर द एग्रीकल्चर, दिस इज द एरिया वेयर द एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस, दिस इज द एरिया वेयर द एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस इन द हिली रीजन, इन दी हिली रीजन, समझ में आ गया। तो ये एक ऐसा एरिया है जो हिली रीजन में है लेकिन प्लेन एरिया में है जहां पे एग्रीकल्चर हो सकता है, इसीलिए इसको कौन सा शब्द न्यूजीलैंड में बोला जाता है, दैट इज कैंटरबरी। पहले यहां तक क्लियर है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिएगा तो जीवन का आनंद मिलेगा। सर ये जो मैंने बोला है ये कैंटरबरी, ये सब के सब सदर्न अल्प्स के रीजन की बात मैं कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं क्लियर है, तो मैं लास्ट बार एक बार न्यूजीलैंड को रिपीट कर रहा हूं, देखना आपके दिमाग में आ रहा नहीं आ रहा है। पहले तो अंटार्कटिका पढ़ाया था,
बताना जरा नाम थोड़ा सा, लार्जेस्ट ग्लेशियर का नाम क्या था? लैम्बर्ट, याद रहेगा। लार्जेस्ट रिवर क्या था? ओइनेक्स, यस और नो? उसके बाद फिर बात करी थी और क्या हमने, लार्जेस्ट रिवर के बाद लार्जेस्ट क्या, हाईएस्ट। अब उसमें लेक की भी तो बात करी थी, पक्का लेक वास्टोक। उसके बाद फिर हमने बात करी थी एक और, बताओ जरा जल्दी डिटेल, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो क्या था नाम, मैसिव। हाँ तो सर आपको जो भी डिटेल जो मैं बोल रहा हूं, जैसे विंसन मैसिव बोल रहा हूं हाईएस्ट माउंटेन पीक, याद है ना, उस तरह से माउंट एरेबस जो है आपका, ये जो पूरा डिटेल है एक बार पूरा रिपीट कर लो, बोल के मैं बोलता हूं आप उसका रिपीट कर लो, चीजें आसान हो जाएंगी, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। पहला तो सबसे पहला लिखो, सॉरी सबसे पहला व्हाइट वोल्केनो, सॉरी व्हाइट आइलैंड, दिमाग में रहेगा, व्हाइट कॉन्टिनेंट बोले तभी दिमाग में रहेगा। लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा, लैम्बर्ट। दूसरा लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक बोला रिवर नहीं, हाँ तो लेक बोस्टोक हो गया। लार्जेस्ट रिवर ओइनेक्स बोल लो, उसके बाद हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट एरेबस, उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक विंसन मैसिव। डन यहां तक। इंडिया का दो ऑब्जर्वेटरीज है, दैट इज दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री, जो कि क्लोज हो गया। उसके बाद भारती आया, भारती कंटिन्यू चल रहा है, आर्कटिक क्षेत्र में हिमाद्री और इंड आर्क भी चल रहा है, क्लियर यहां तक। उसके बाद न्यूजीलैंड पे आए, न्यूजीलैंड में मैंने बोला कि दो आइलैंड नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट आता है, कुक स्ट्रेट, साउथ और स्टीवर्ट के बीच में फॉवेक्स स्ट्रेट, क्लियर। नॉर्थ आइलैंड में ऑकलैंड सिटी फेमस फॉर एजुकेशनल हब, डन। दूसरा साउथ आइलैंड में मैंने आपको क्या बोला था, क्राइस्ट चर्च, याद रहेगा। उसके बाद मैंने आया स्टीवर्ट आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड में कुछ नहीं लिखना था। उसके बाद कुक स्ट्रेट लिखना था, कुक स्ट्रेट नॉर्थ और साउथ के बीच में। फिर आगे मैंने लार्जेस्ट लेक पढ़ाया, लेक टाउपो, याद रहेगा। हाईएस्ट माउंटेन पढ़ाया, माउंट कुक साउथ आइलैंड में। बे ऑफ प्लेंटी पढ़ाया, जहां व्हाइट आइलैंड होता है। लॉन्गेस्ट रिवर आपको बताया, वाइकाटो। और उसके बाद फिर फाइनली वांगनोई रिवर बताया, जिसको लिविंग इन टेटी बोलते हैं, और सदर्न अर्स माउंटेन के क्षेत्र में जहां प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर होता है उसको कैंटरबरी बोलते हैं, क्लियर यहां तक। चलिए तो आज हमारा वो भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट 15-20 मिनट और खत्म कर लेते हैं, हेडिंग डालिए ऑस्ट्रेलिया, और अब यहां से जीवन का आनंद लेंगे फटाफट। थोड़ा सा समय दे देंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी निपटा लेंगे, तो हमारा मैप वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर अपन दूसरे सब्जेक्ट में तुरंत इंट्री मार देंगे। एहसास करके देखोगे ना तो जितनी जल्दी आपका होते जाएगा सिलेबस, आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा, मैं पहले बता देता हूँ। और एक ही बार थाक हो जाएगा, एक महीना डेढ़ महीना बाद इधर दाई तो इतना हो गया, इसलिए जो जो बोलते जा रहा हूँ करते जाना, क्योंकि अचानक से एक ही बार आता है बोझ, पहले पता नहीं चलता है। चलिए तो ऑस्ट्रेलिया का शुभारंभ किया जाए, और पहला उसमें लिखा जाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो आपको बहुत ही आसान लगेगा, लिखिए इट इज अ कंट्री एज वेल एज अ कॉन्टिनेंट, ये शब्द लिख लो, इट इज अ कंट्री एज वेल एज कॉन्टिनेंट, हो गया। हो गया लिख लिए। अच्छा आप अभी एक बात सोच के बता सकते हो, बेसिक से बात है, बेसिक बात यह है, ध्यान से देखना, किसी का घर या किसी का घर छोड़ो, खेत देखते हैं, खेत ऐसे है, एक आदमी का खेत, मान लो राम खेलावन जादव का खेत ए, समझ में आ रहा है, उसके बाद श्याम खेलावन का खेत है बी, उसके बाद लक्ष्मण खेलावन डी, मान लो जो भी है ऐसे करके, मेरी बात समझ में आ रही है। इस तरीके का खेत जो है सीधा सीधा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, और एक ऐसा खेत है राम खेलावन का खेत ऐसा हो रहा है, ऐसे श्याम खेलावन का खेत इसी में से कुछ एरिया ऐसे आया हुआ है इस तरीके से, ये ए हो गया ये बी हो गया, इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हो। अगर कोई बाउंड्री बहुत सीधा सीधा हो, इसका मतलब है कि वहां डिस्प्यूट ज्यादा नहीं होता है, क्लियर कट मामला है। और जहां एने ओने आड़ा टेढ़ा खेत और इस तरीके का कांड है, वहां चांसेस है कि डिस्प्यूट ज्यादा होता होगा, मेरी बात समझ में आ रही। अरे क्या लॉजिक लगा सकते हैं आप, ज्यादा चांस है कि नहीं है, जो बाउंड्री सीधा डिफाइन है 1-2-3 वहां पे डिस्प्यूट नहीं है, और जहां टेढ़ा कल्टी पल्टी मार के डगर डगर गया है वहां समझिए कि पक्का कुदार उदार चला है, आप समझ पा रहे हैं एक दूसरे पे। तो सर डिस्प्यूटेड एरिया का चांस ज्यादा ऐसे होगा साइकोलॉजिकली कि वहां का बाउंड्री सीधा नहीं होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, और ये बहुत खतरनाक होता है। अब दूसरा ऑस्ट्रेलिया का जो आपको देखने को मिलेगा मैप, जो आप देख पा रहे हैं ना,
उस ऑस्ट्रेलिया के मैप पे देखिएगा तो क्या सीधा ही है, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट आपस में नहीं है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में डिस्प्यूट आपस में है ही नहीं, ये मात्र ऑस्ट्रेलिया रहा। इसके अंदर आप बांट लो, ऊपर में नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया, इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। बताना जरा ये वाला क्या हो गया, क्वींसलैंड है ना, क्वींसलैंड के बाद एक और दूसरा न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स के बाद विक्टोरिया, एकदम सीधा सीधा कोई झंझटे नहीं है। और विक्टोरिया के नीचे आइए, ये साउथ मान लेते हैं थोड़ा, और विक्टोरिया के नीचे कौन सा हो गया, तस्मानिया, यस और नो? एक बात ध्यान रखिएगा, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड से अलग है, मतलब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में ही आता है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो पूरा ऑस्ट्रेलिया तो यही है, कुछ करना ही नहीं है। और सर अगर मैप देखोगे और सारे कंट्री का तो वहां विवाद होने का चांस ज्यादा होते ही होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जो मैप दिख रहा है ध्यान से देखिए, अर्जेंटीना और चिली का, तो ये लगने ऐसा ना कि सक्सा हुआ है चिली एकदम मिर्च सेब का, तो है इसको दबा दिया गया। दूसरा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट मैप याद करो जो पढ़ाया था अरुण अश्विन मेघा वाला, तो असम बीच में है और बाकी सब आ रहे थे कि नहीं है, तो क्या वहां डिस्प्यूट होते रहते हैं कि नहीं होते रहते हैं? होते रहते हैं, स्वाभाविक है, समझ में आ रहे हैं? कुछ जगह जहां सिंपल है वहां पे मामला था, अब उधर देखो दिल्ली बिहार यूपी नोएडा वो सब का मामला ऐसे ही चलते रहते हैं। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक यही दिमाग में है कि सर मेरे साथ रिपीट कर लो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पांच छह जो भी है इनको कवर कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा। पहला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जरा देखो तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक तरह से राजधानी समझ लो, मतलब जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्य है वैसे ही कुछ समझ लो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट राजधानी पर्थ दिख रहा है, पक्का? और पर्थ दिख रहा है तब तो बहुत आसान है जी। अब जरा देखना नॉर्थ टेरिटोरी का कौन सा इंपॉर्टेंट राजधानी या सिटी हो सकता है, डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन, किसको उसको मिल गया डार्विन, एकदम डार्विन बहुत सही जगह पे है, ऊपर में है बिल्कुल, यहां पे डार्विन बिल्कुल ऊपर में मिला, बहुत बढ़िया। अब जरा देखना बताना मुझे सदर्न ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राजधानी हो सकता है, एडिलेड, ये सारा क्रिकेट का ही नाम है, एडिलेड पर्थ, समझ में आ रहा है? अब जरा उसके बाद बताना मुझे ब्रिस्बेन मिलेगा, क्वींसलैंड का राजधानी ब्रिस्बेन मिल रहा है, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन मिला कि नहीं मिला, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन कुछ तो बोलो, बोलना वो मेरे ढोलना, हम बोलना तो ब्रिस्बेन मिला, डन। आगे क्वींसलैंड के बाद न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, ये तो पता ही होगा, अगर एक किडनी भी नहीं पता हो तो कैसे काम चलेगा, है ना, सिडनी। उसके बाद विक्टोरिया का है मेलबर्न, ये भी पता होना चाहिए, ये सारा क्रिकेट ग्राउंड के लिए पॉपुलर है, हो गया मेलबर्न डन। अब उसके नीचे आएंगे तस्मानिया, उसका मिलेगा होबार्ट, मिला क्या? तो सर सबसे पहला आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बोले एक रफ आइडिया के लिए बना लीजिए फटाफट क्विकली, जितना तेजी में हो, उसके बाद फिर वन बाई वन कर लेंगे, 15 मिनट और दोगे तो खत्म हो जाएगा, ये आराम से मामला आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो पहला हेडिंग उसमें डाल लीजिएगा, ऐसे बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ आपका ये साउथ ऑस्ट्रेलिया हो ही गया, उधर होगा ऊपर में नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, ठीक है जी, और बाकी सबका आपका मामला क्लियर है। तो बस एक तरफ क्वींसलैंड, एक तरफ न्यू साउथ वेल्स, एक तरफ विक्टोरिया और नीचे तस्मानिया, ठीक है जी। तो पहला हेडिंग डाला जाए बनाने के बाद, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पहला हेडिंग डाला जाए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, हो गया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पर्थ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पर्थ,
हो गया डन। चलिए नेक्स्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहां पे एक नदी मिलेगा आपको, लिख लीजिएगा, इट इज नियर बाय स्वान रिवर, स्वान, ये स्वान नदी के किनारे पे है पर्थ, इट इज नियर बाय स्वान रिवर। दूसरा नॉर्दर्न टेरिटरी, डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी में डार्विन। अब देखो डार्विन का थोड़ा समझ लो तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि डार्विन को एक बड़ा अच्छा टाइटल दिया गया है, ठीक है। चलिए देखो इधर, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान से देखिएगा, तो हम मान के चलते हैं इसको अगर आप काट लिए ऐसे यू, ठीक है, तो ये ऊपर में नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, यस और नो, इधर में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, तो डार्विन कुछ इस जगह पे मान लो, यहाँ पे विवाह समझा रही, ये ऐसे जगह इसको बोलते हैं फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ध्यान से समझना, फ्रंट डोर क्या होता है, जहां से आप निकल के कहीं पे भी जा सकते हैं, यस और नो। तो देखो यार, अगर इससे इसको निकल के इंडिया जाना हो, चाइना जाना हो, आराम से चला जाएगा ये, इसको अफ्रीका भी जाना हो तब भी चला जाएगा, इसको साउथ अमेरिका भी यहां से जाना है तब भी चला जाएगा, इसको इधर से कहीं भी जाना है तो चला जाएगा, यस और नो। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस जगह से वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, और एकदम ओपन एरिया है उसके पास, बस खाली नाव उठाना है, जहाज उठा के घूम लेना है, आप समझ आ रहे हैं, बस डूबना नहीं है जहाज। लिखिए पहला, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सॉरी नॉर्दर्न टेरिटरी में डार्विन लिखिएगा, और डार्विन के नीचे लिखिएगा, डार्विन इज कॉल्ड द फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा हाथ तेजी में बढ़े, डार्विन इज कॉल्ड द फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिकॉज, डार्विन इज कॉल्ड द फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिकॉज बिकॉज ट्रेडिंग कैन बी डन विथ द इंटायर वर्ल्ड फ्रॉम हियर, बिकॉज ट्रेडिंग, व्यापार, मेन तो व्यापार के लिए सुगमता हो जाएगा ना, ट्रेडिंग कैन बी डन विथ द इंटायर वर्ल्ड, विथ द इंटायर वर्ल्ड फ्रॉम हियर, हो गया। चलो जी, एक जगह मिलेगा उसी में नॉर्दर्न टेरिटरी में, देखो तो अलाइस स्प्रिंग, ALIC, अलाइस स्प्रिंग मिल रहा है, लिखिए अलाइस स्प्रिंग, ALIC, अलाइस स्प्रिंग, बहुत फेमस जगह है सर, ये हमेशा न्यूज में रहता है ये, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का खूब सारा भंडार है, गैस का भी। लिखिए अलाइस स्प्रिंग इज फेमस फॉर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, हो गया, क्रूड ऑयल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल एंड एनर्जी, मतलब अलाइस स्प्रिंग किसके लिए फेमस है, आपके एनर्जी रिसोर्स और पेट्रोलियम और ये सब कच्चे तेल के खदान के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट गैप छोड़ के साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया राजधानी या इंपॉर्टेंट सिटी एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया का राजधानी लिए बोल लीजिए चाहे उसका इंपॉर्टेंट सिटी बोल लीजिए, एडिलेड मिला, एडिलेड का ग्राउंड भी बहुत फेमस है, एडिलेड। नेक्स्ट क्वींसलैंड, क्वींसलैंड राजधानी ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, हो गया डन। आगे क्वींसलैंड में देखो एक जगह मिलेगा स्केन्सपोर्ट, CAIRNS मिल रहा है, CAIRNS मिलेगा, स्केन्सपोर्ट मिला कि नहीं मिला, मिल गया। और दूसरा मिलेगा टाउन्सविले, ये भी पोर्ट है, टाउन्सविले, एक मिलेगा केन्सपोर्ट एक मिलेगा टाउन्सपोर्ट, मिला टाउन्सविले पोर्ट। यार एक बार पूछता हूं इससे गूगल से कि आज बैंक बंद है कि ऑन है, जवाब देता है कि नहीं,
Hey Siri. Tell me that today bank is closed or open. Okay, here's what I found. अच्छा बंद है, बता दिया यार. कोऑपरेटिव बैंक, क्या बात है, सही है यार. चलो नेक्स्ट. डिस्टेंस भी बता दिया, बहुत अच्छा चीज है. आपके आसपास का पूरा बैंक का डिटेल भी बता दिया यार. चलिए नेक्स्ट. उसके बाद क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन टाउन्स मिले के बाद एक जगह मिलेगा केप यॉर्क पेनिनसुला. केप यॉर्क पेनिनसुला मिला क्या? और मैंने बोला है प्रायद्वीप जब भी होगा तो सर ट्रायंगल शेप का होगा, जैसे इंडियन पेनिनसुला है. केप यॉर्क आसपास देखो, पॉलिटिकल में ना मिले तो फिजिकल में भी झांक लेना. केप यॉर्क, जहां पे भी शब्द आए केप याद करो. पढ़ाया था मैंने केप टाउन जब मैं पढ़ा रहा था आपको नॉर्थ अमेरिका वगैरह, बोला था कि सीएपी केप शब्द जब भी आएगा मतलब ट्रायंगल शेप का आएगा. मिला केप यॉर्क, लिख लीजिए केप यॉर्क पेनिनसुला. आगे दिखा दीजिए उनको, मिल गया, दिखा दीजिए केप यॉर्क. पीछे मिला नहीं मिला, पीछे भी बता दीजिए केप यॉर्क, फिर आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए पीछे. मिल गया केप यॉर्क पेनिनसुला. नींद आ रहा होगा, तीन चार दिन गैप हो गया है ना, गैप होने के बाद थोड़ा सा नींद आता है, चिंता मत करो, फिर एक दो दिन में आदत हो जाएगा. केप यॉर्क पेनिनसुला, इसलिए एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले एग्जाम के टाइम पे टेस्ट दिया जाता है. इसीलिए जैसे एग्जाम डेढ़ दो महीना बाद है तो पहले ही से उस टाइम पे टेस्ट दिया करिए, नहीं तो एग्जाम में जाने के बाद ऐसे आता है ऐसा इतना उसके बाद नींद आएगा कि पता चला सूत के आ गया दो घंटा, उसके बाद मामला जो है फिनिश हो गया. मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि आपका आदत बना हुआ पिछले चार साल से 9 बजे सोने का, और एग्जाम 9 बजे ही होता है या 10 बजे एग्जाम होगा या फिर दोपहर के 2 बजे होगा, ऐसा टाइम पे एग्जाम लगा जब ओंगी खूब आएगा, और इसीलिए उस समय आदत बना ली है. इसलिए डेढ़ दो महीने पहले टाइम थोड़ा स्विच ऑन किया जाता है. इसलिए जो आईएएस की तैयारी करते हैं रात में, जैसे बहुत ज्यादा जो पढ़ता है तो रात में पढ़ने के बाद उसके बाद उसको स्विच ऑन करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम रात में नहीं होगा, एग्जाम दिन में होगा, और दिन में दिमाग आपको चलाना पड़ेगा. और पिछले 5 साल से आप रात में ही दिमाग चला रहे हैं, दिन में आप दिमाग एकदम डम हो जा रहे हैं, तो फिर एग्जाम कैसे निकाल पाएंगे आप? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, दिमागी काम नहीं करेगा, मन करेगा अभी सो लें. इस वजह से स्विच ऑन करना बहुत नेसेसरी होता है. वो तो एग्जाम का प्रेशर, इस वजह से थोड़ा आपको नींद नहीं आता है, अन्यथा आपकी पूरी एनर्जी एग्जाम में इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, आपकी पूरी पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अब रात में आप सारा काम करते हैं. इस वजह से दिमाग में बात रखिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं लेकिन पूरा एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि दिन में आपको आदत ही नहीं है. इसलिए ध्यान में रखिएगा ये बात. बहुत बहुत बड़े बहुत लोग बोले, एक नहीं बहुत टॉपर बोले इनफैक्ट, कि 6 महीने पहले अपने आप को मैंने स्विच ऑन किया है. तो लिखिएगा पहला न्यू साउथ वेल्स, गैप छोड़ के तेजी में बस 15 मिनट और पुला पुला के पढ़ा लेना है. और ग्रुप में जब तक मैसेज जाएगा नहीं तब तक ध्यान रखिएगा, मैसेज प्लीज चेक करते रहिएगा कि सर जी पगलवा टीचर मिला है, वो कभी भी मैसेज कर देता है कभी भी मैसेज नहीं, तो थोड़ा मैसेज देखना भाई. अगर आप लोग को मैसेज नहीं करना होता ना तो कसम से बता रहा हूं मैं कभी जीवन में व्हाट्सएप डाउनलोड भी नहीं करता. मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपको, मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, कहीं पे भी नहीं एकदम, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जरूरत उसका जरूर रहता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं. लेकिन सर आप लोग के कारण मैं कभी यूज ही नहीं किया था, बट यहाँ पे जो मैं इंस्टॉल किया तो मेरे पास मजबूरी हो गया, क्योंकि इन्फॉर्म करूं तो करूं कैसे, टेक्स्ट मैसेज पे नहीं कर सकता, कितना को करूंगा टेक्स्ट मैसेज में ग्रुप एक बन जाता है, एक बार मारा हो गया काम. तो बहुत जगह रिचार्ज नहीं रहता है, ये भी तो बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि रिचार्ज नहीं किया रहता है, व्हाट्सएप वाईफाई से चलाता है, तो बहुत बड़ा आजकल का समस्या है. खैर लास्ट आज के लिए न्यू साउथ वेल्स क्या लिखे, सिडनी बोलो ना कुछ, ठीक है. कैनबेरा एक जगह मिल रहा है भैया, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबेरा है. पहले जहां ऑस्ट्रेलिया लिखे थे ना वहां जाओ 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 पीछे जाओ और वहां कैनबेरा राजधानी लिख लो, और लिख लिए तो बहुत अच्छा किए, मैं मान के चलता हूं बहुत अच्छा किए. तो क्वेश्चन पूछा था कि कैनबेरा कहां पे लोकेटेड है, तो कैनबेरा है सर कहां पे, न्यू साउथ वेल्स में. तो लिख लो नोट करके कैनबेरा, ब्रैकेट लिख लेना नेशन कैपिटल,
मतलब ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल इज लोकेटेड इन न्यू साउथ वेल्स। ये बहुत बेसिक सा चीज है, खुद से भी लिख सकते हो। नेशंस कैपिटल कैनबेरा इज लोकेटेड इन न्यू साउथ वेल्स। हो गया, बस 5 मिनट और। नेक्स्ट लिखो विक्टोरिया। विक्टोरिया और राजधानी है इसका मेलबर्न। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। हो गया, चलो आज इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे। हो गया, लिख लिए विक्टोरिया के बाद थोड़ा गैप छोड़ के लिखो तस्मानिया। तस्मानिया राजधानी लिखा है ना, होबार्ट। होबार्ट लिख लिए सर। तस्मानिया है, बहुत फेमस है सेव के लिए, एप्पल के लिए। लिख लो, इट इज फेमस फॉर एप्पल्स। इट इज फेमस फॉर एप्पल्स। जब भी सेव खाने का मन हो, फ्लाइट पकड़ना है, अरे तो नजदीक तो है, देखो ना यार आप कहाँ पे हो, यहाँ पे है हम लोग, अभी नाव निकालना है अपना और सीधा पहुंचते पहुंचते पहुंच जाना है आराम से, आसमान पर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इधर से होते हुए नहीं आप पहुंच जाइए, सेव खा के वापस चल जाइए, बस देखिएगा कितना टाइम मतलब आता हो। हो गया, लिख लिया यहाँ तक, चलो नेक्स्ट। उसके बाद लास्ट तस्मानिया में फेमस पर के बाद लिख लेना वहीं पे बास स्ट्रेट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बास स्ट्रेट, BASS बास स्ट्रेट। बाकी एक क्लास और कर लेंगे और उसमें फिजिकल पूरा लिख लेंगे, ठीक है जी। बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट किसको सेपरेट कर रहा है, तो लिखो ना खुद से, तो लिखिए इट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड एंड तस्मानिया। इट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड एंड तस्मानिया। चलिए तो आज यहीं तक रखेंगे, बाकी एक क्लास और इसका ले लेंगे फिजिकल के लिए, तो हड़बड़ाएंगे नहीं, एक फिजिकल बचा हुआ है उसको और कर लेंगे, काम खत्म कर लेंगे, क्लियर है। तो आज जो हम लोगों ने खत्म किया है, मैं पूरा क्लास कंक्लूड कर रहा हूं, प्लीज लास्ट का तो आप सुन लेंगे अगर ना, तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। तो आज हम लोगों ने जो जो चीज पढ़ा है मैं उसको रिपीट करता हूं और फिर जीवन का आनंद लेंगे। तो सबसे पहला क्या बताया था, आज आए थे टाइम पे पहुंचे हैं, कुछ लोग लेट आए हैं, फिर उसके बाद ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज मैंने बोला कि 7 कॉन्टिनेंट के अंदर ये हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट चल रहा है। लास्ट कॉन्टिनेंट में पहले हमने बताया आपको अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के कुछ बेसिक थीम्स आपको बताया, व्हाइट आइलैंड, उसका ऑब्जर्वेटरीज मैत्रीज और आपको गंगोत्री, लार्जेस्ट रिवर ओइनिक्स रिवर, फिर आपका लैम्बर्ट, ये सब बताया मैंने आपको पूरा अंटार्कटिका के बाद। आर्कटिक क्षेत्र में भी दो चल रहा है, एक हिमाद्री चल रहा है हायाना और एक इंडार्क, ये प्रयोगशाला दोनों चल रहा है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आगे की बात करें हम लोगों ने, तो न्यूजीलैंड स्टार्ट किया, न्यूजीलैंड में आपको बस छोटे छोटे याद रखने हैं, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड। नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन सा स्ट्रेट आ जाएगा, कुक स्ट्रेट। साउथ और स्टीवर्ट बीच में कौन सा आ जाएगा, फोबेक्स स्ट्रेट। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ऑकलैंड सिटी हम लोगों ने पढ़ा, फिर उसका माउंट जो है माउंट कुक, उसका हाईएस्ट पीक और फिर हाईएस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, ये हम लोगों ने वखारी और वैनिक्स ऐसे करके देख लिया। उसके बाद फिर हम लोग वहां से पलटे और ऑस्ट्रेलिया पे आए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने बोला माइंड में बनाओ, वेस्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में नॉर्दर्न टेरिटरी याद रहेगा, नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर क्वींसलैंड, फिर न्यू साउथ वेल्स, फिर विक्टोरिया और फिर नीचे कौन सा हो गया, तस्मानिया, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद मैंने बताया डार्विन इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अलाइस स्प्रिंग कहाँ पर आया था ये बताओ, अब जल्दी बताओ। तो सर नॉर्थ टेरिटरी की तो बात कर रहा हूँ, तो अलाइस स्प्रिंग बताया जहाँ पे फेमस फॉर आपका क्रूड ऑयल पेट्रोल, क्लियर है। इस तरीके का पूरा डिटेल दिमाग में रखिएगा, आपसे निवेदन है, सारा कॉन्टिनेंट आप सोचते कि काश ऐसा ही रहता तो मजा आ जाता, तो दिमाग में रखिएगा, मजा आता वो अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया आसान जरूर है, उसको दिमाग में रख लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो आपका काम ये है होमवर्क जो अब्दुल कलाम वाला दिया था, कितने लोग पढ़ लियो 102 पेज तक, तो सर एक दिन और टाइम दे रहे हैं, जो लोग पढ़ लिए हैं ठीक है, अब्दुल कलाम को निपटाइए, मेरी बात समझ में आई, क्योंकि दूसरी किताब डार्क हॉर्स आपके पीछे रेडी है, तो डार्क हॉर्स पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है, क्लियर है। इस वजह से आपसे नम्र निवेदन है कि पहले आप वो जो होमवर्क दे रहे हो उसको खत्म कर लो, और फिर से एक बार और स्क्रीन शॉट आप मुझे आज से कल तक, चाहे 25 में 23 हो चाहे 24 हो, मुझे भेजेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, किसका बता देता हूँ,
लिख लीजिएगा, एक अफ्रीका का मुझे चाहिए, आराम आराम से लिख लीजिए, दूसरा मुझे यूरोप का चाहिए, ये स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए फिर से, चाहे आप 50 में 50 बना लिए हो तब भी, जिसका 25 में 25 हो जाए वो 53 में 53 बना दीजिएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, ध्यान में रखिएगा। तो पहला अफ्रीका, दूसरा यूरोप, ये दो का मुझे आज चाहिए, फिर उसके बाद कल परसों में होमवर्क देते हैं। क्लियर है? तो चलिए उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।